नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लाए हैं हक्का नूडल्स और देखिए ये सबको पसंद आएंगे। बहुत लाइट मैंने बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। और देखिए इसके लिए इसी तरह से सर्व करते हैं और देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, उतने ही खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए मैं कुक विद कामनी और देखिए और मैं इसके लिए ले लेती हूँ नूडल्स का पैकेट। देखिए ये नूडल्स का पैकेट है और इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैंने बॉयल पानी पहले कर लिया है, आधा भगोना पानी ले लिया है। बड़ा भगोना है ये, क्योंकि ये लंबे साइज के होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पूरे नहीं आ पाते। वो जब बॉयल होंगे तो अपने आप ही सब आ जाएंगे। अब देखिए मैंने इस तरह से पहले बॉयल पानी कर लिया है, उसके बाद हम 5 ही मिनट और बॉयल करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, क्योंकि हम ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो एकदम मिक्स हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। और इन्हें अलग अलग खिले करना है तो हमें सिर्फ 5 मिनट बॉयल करना है और 1 चम्मच ऑयल डाल के, और इस तरह से हम 5 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे। अब देखिए एकदम चला लेंगे एक दूसरे में, देखते हैं इस तरह से हम किसी भी चम्मच से किसी भी चीज़ से आप इस तरह से देखिए। अब हमारे अच्छे से ये पक गए हैं, सिर्फ हमने 5 मिनट लिए हैं इसके लिए। अब हम कर देते हैं गैस बंद और इसे हम जाली में पानी को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इसी तरीके से, और मैंने 1-2 बार बॉस भी कर लिया है इस तरीके से। देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 चम्मच हम तेल ले लेते हैं हाथों में और इस तरह से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे सारे नूडल्स को। देखिए इस तरह से बिल्कुल खिले खिले हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अब ये चिपके भी नहीं हैं और चिपकेंगे भी नहीं बिल्कुल। अब हम ले लेते हैं बटर, हम बनाएंगे बटर से, आप चाहें ऑयल भी ले सकते हो। अब देखिए मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है और फ्लेम को कम कर लिया है कि जिससे बटर हमारा जले ना। और इसके लिए हम बटर जले ना, उसके लिए हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। ये रिफाइंड ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं बहुत बारीक कटा हुआ मैंने प्याज डाल दिया है। आप लहसुन डालना चाहो तो इसमें बारीक करके लहसुन डाल सकते हो, मैंने स्किप किया है लहसुन को। देखिए इस तरीके से हमें ज़्यादा नहीं प्याज को भूनना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें प्याज को भूनना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें गाजर ले लेते हैं, वो भी लंबे साइज़ की हमने गाजर कद्दूकस कर ली है। आप देख सकते हो इसी तरीके से हमने गाजर ले ली है। उसके बाद हम लेते हैं थोड़ी सी हम कैप्सिकम जैसे शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी। अब इनको भी हम बस 1 मिनट आधा मिनट के लिए सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि तो हमें सब्जी को ज़्यादा नहीं भूनना है। सिर्फ अब इसी तरीके से हमने सब्जियों को अच्छे से बस 1 मिनट के लिए हमने सौते किया है। अब हम डाल देते हैं नूडल्स इसी में। देखिए इसी तरीके से हम सारे नूडल्स को डाल देते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए चम्मच से तो नहीं हो पाएंगे, हम दोनों तरफ से दोनों हाथों से इस तरह से हम करेंगे, जिस तरह से हमारी वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो जाएगी, देख सकते हो। इसी तरीके से हम सब सब्जियों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे नूडल्स को। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, हम मसालों को लाइट ही करके डालेंगे। देखिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच ये सोया सॉस ले लिया है, आप चाहे मसालों की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हो, 1.5-2 चम्मच भी डाल सकते हो। मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच हम डालते हैं सेजवन सॉस। अब देखिए इनको सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने लाइट बनाए हैं तो हम मसाला थोड़ा सा कमी करके मैंने डाला है, जैसे मैंने सेजन सॉस भी कमी करके डाला है, आप चाहे 2 चम्मच करके भी डाल सकते हो। ये देखिए ये चौमीन हक्का मसाला है, आप चाहे इसको डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें 1/2 चम्मच इसमें डाल दिया है जिससे एकदम अच्छे से लगेंगे। अब देखिए हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए बहुत बिल्कुल रेस्टोरेंट तरह इसी तरह बनाते हैं, बिल्कुल लाइट तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसमें काली मिर्च का पाउडर जो आता है पिसी हुई काली मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि आजकल कच्चा प्याज तो नहीं आ रहा है। अगर कच्चा प्याज के टाइम पे सर्दियों में कच्चा प्याज आता है तो उसको ज़रूर डालें इसमें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है चाउमीन में। देखिए उसी तरह बिल्कुल बन गई है, और कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ भी कमी हो तो ज़रूर बता देना और लाइक ज़रूर कर देना।
अब देखिए इस तरीके से हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए ये हमारे तैयार हो गए हैं नूडल्स, हक्का नूडल्स। और कैसे बने हैं जरूर बताना, और मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।